आप लोगों ने टॉप फ्लोर वाले टेरेस गार्डन तो बहुत देखे होंगे, बट द टॉप फ्लोर विद टेरेस गार्डन दैट आई एम शोकेसिंग यू दिस टाइम अराउंड, आई बेट यू हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। एंड व्हाट वी से वी डिलीवर, हम फड़िया नहीं मारते। आपको डबल डेकर टेरेस गार्डन मिलता है, डबल सीलिंग हाइट की आपको टॉप फ्लोर की बैल्कनी मिलती है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट थ्री बैल्कनी बाय डीलिंग विद वन फ्लोर। टेरेस पे आपको परगोला, देन योर वुडन डेक, बार काउंटर, व्हाटएवर यू नीड यू विल गेट इट, अलोंग विद टू कार पार्क, सेपरेट ड्राइववे, फुल्ली पावर बैकअप और लग्जरी की तो ऐसी डेफिनेशन है इस पर्टिकुलर यूनिट में, जिसमें आपको इंटीरियर्स का कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, फर्नीचर लाओ शिफ्ट हो जाओ। बट ऐसी चीजें ना मार्केट में ज्यादा देर तो रुकती नहीं है, तो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो वॉच द फुल वीडियो, लाइक सब्सक्राइब अभी कर दो, पूरी वीडियो देखो, फिर एंड में बाकी बातें करते हैं। तो कम अलॉन्ग, लेट्स टेक अ टूर ऑफ दिस पर्टिकुलर लग्जरी फॉर यू गाइस। This is the main door and the entry to the floor. So the main door has a sensor security lock. And now we are in the floor. Just on my right, what you see is a Gwalior stone. इसको ऐसा सुंदर बनाया गया है. This is a temple space. Then ये आपका एक LCD panel आ जाता है. अभी हम family lounge में खड़े हैं. Beautiful chandelier. Book match tiles. And this is all camouflage paneling. Like you won't know which behind which door what is there, or is it really a door? So that's how it is being made. So that's the look and feel of it. So ये एकदम मेरे right पे ये ग्वालियर पत्थर वाला अपना temple area था. This can be your dining spot. All WPVC paneling with the running profile lights. All the way from the floor to the ceiling level. अब ये जो wall है, this is the highlighter wall. This is all marble. So this is the highlighter wall of the drawing room. So marble के pieces को book match किया गया है. And यहाँ पे आराम से आपका क्या कहते हैं 8 to 10 seater drawing रूम में आपका सोफा सेट 8 to 10 seater आराम से आ जाएगा। देन अगेन यू गेट अ शैंडलियर हेयर। व्हाट यू सी यू गेट, ऑल दीज शैंडलियर्स एंड ऑल दीज लाइट्स एंड एवरीथिंग, आपको जो दिख रहा है ना वो आपको मिलेगा। देन लेट मी शोकेस यू द एडजॉइनिंग बालकनी, दिस इज द फ्रंट बालकनी, एंड जितने भी स्लाइडर्स हैं सारे एल्यूमिनियम है, इट्स नॉट UPVC, इट्स एल्यूमिनियम। एलिवेशन में आपको मेटागाइस की शीट मिलेगी विच यू सी इन फ्रंट ऑफ मी। इवन जो बैल्कनी का पत्थर है, जो फ्लोरिंग है वो ग्रेनाइट है, दैट इज़ नॉट टाइल्स, ग्रेनाइट से दी गई है फ्लोरिंग। यहाँ पे भी इन्होंने प्ले अराउंड किया गया है 2 tone shade में, बल्गारी ग्रे एंड अ ग्रे। दिस इज द किचन एरिया, यू गेट पैरेलल रनिंग किचन
किचन आपको फुली फिटेड मिलती है, OTG ओवन, चिमनी, हॉब, डिश वॉशर सब मिलता है बाय कैफ। एंड देन एम्पल स्टोरेज स्पेस, काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस है। पैंट्री भी मिलती है, पैंट्री के साथ आपको शटर डोर भी मिलता है, तो शटर डोर भी मिल जाएगा। दियो चिमनी हॉब, देन एवरीथिंग, ऑल द स्टोरेज स्पेस, एवरीथिंग इज सॉफ्ट टच। Let me showcase you the pantry also. And now let me take you to the wet area, जहाँ पे आपका dishwasher है। ये आपका sink area आ गया। So this is the magical door. आपको दरवाज़ा लगेगा ही नहीं है, बट ये असली में दरवाज़ा है। एंड व्हेन यू एंटर, दिस इज़ रूम नंबर वन। इसमें वुडन फ्लोरिंग मिलेगी आपको, इसमें आप देखोगे वेरी आर्टिस्टिक फैन दैट यू सी ऑन द सीलिंग, एंड दिस इज़ योर LED वॉल। एडजॉइनिंग बालकनी, दिस इज़ द वॉल जहाँ पे आपका बेड प्लेस होगा। आपको किसी भी रूम में, पूरे घर में, कहीं भी कुछ नहीं करवाने की ज़रूरत, बस फर्नीचर लाओ, शिफ्ट हो जाओ। ये आपका ड्रेसिंग एरिया है, आपको मिरर दिया गया है, यहाँ पे आप अपनी ड्रेसिंग टेबल लगा सकते हो। देन दिस इज़ द वार्डरोब सेक्शन एंड दिस इज़ द अटैच बाथरूम। देन ऑल द फिटिंग्स एंड फिक्स्चर्स, बाथरूम में जितने भी फिटिंग फिक्स्चर्स हैं सब कोलर के हैं। That's the look and feel of this room. Then again, we are back in the family lounge area. Now I'll take you to room number two. Again, another magical door for you. So room number two. This can be your guest room. And अगर आपको घर में guest room नहीं बनाना, तो ये आपका एक storage room और closet room बन सकता है। Like there are people fan, you know, there are people who are fan of sneakers and everything. तो आपका यहाँ पे एक अलग से क्लॉजेट और एक्स्ट्रा लग के आपका ये स्नीकर रूम बन सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आई एम जस्ट गिविंग यू आइडियाज। देन दिस इज द अटैच वॉशरूम, इसकी बाहर से भी एंट्री है, तो अगर कोई गेस्ट आता है दे कैन यूज दिस वॉशरूम, एज इट हैज़ द एंट्रेंस फ्रॉम फैमिली लॉन्ज एरिया ऑल्सो, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। इसमें आपको ब्लैक मैट फिनिश की फिटिंग्स फिक्स्चर्स मिलेंगे, मिक्स ऑफ जैगुआर एंड कोलर। देन सी, आई एम इनटू द फैमिली लॉन्ज एरिया। दिस वाज द मैजिकल डोर एंड दैट वाज फ्रॉम वेयर वी एंटर्ड इनटू द रूम। नाउ लेट्स एंटर इनटू द मास्टर बेडरूम। दिस इज़ अ मास्टर बेडरूम, इसमें आप जो बेड की बैक वाली पैनलिंग देखोगे, दिस इज ऑल कुशन। एंड इट्स वॉशेबल, जो लोग सोच रहे हैं कि भाई गंदा हो जाएगा क्या करेंगे, वॉशेबल है। दिस इज द क्लॉजेट एरिया, ह्यूज क्लॉजेट एरिया। इस रूम में आपको डक्टेबल एसी मिलता है डाइकन का, और आपको जो लॉबी एरिया है, जो आपका ड्रॉइंग डाइनिंग है, वहाँ पर भी आपको डक्टेबल एसी मिलता है डाइकन का। बाहर 3 टन है, यहाँ पर 2.5 टन है। That is the ductable AC, and this is the attached washroom. आपको 300 गज में bathtub भी मिल रहा है, shower cubicle के साथ. Isn't that amazing? Yes, indeed it is. So this is the standing standalone bathtub. Your vanity. And this is the shower cubicle. Now let's go to the last and final room, room number 4. So room number 4 में आपको इस तरीके की पैनलिंग मिलती है। Every room has different concept, different paneling, different style.
दिस इज द वार्डरोब सेक्शन एरिया। मैं आपको अंदर से भी एक बार वार्डरोब शोकेस करवा देता हूँ। Now let me take you to the adjoining bathroom. This is the adjoining bathroom. आपको आपने नोटिस किया होगा आपको शावर क्यूबिकल में लेज भी मिल रहा है, यू कैन सिट एंड टेक शावर। सो दिस द बैक बैल्कनी, द रियर बैल्कनी दैट यू सी, इसमें आपको पूरा पीछे जाल डाल के मिलेगा। जाल भी आर्टिस्टिक है, ऐसा नहीं है सिंपल जाल है विद कार्पेट ग्रास ऑन इट। सो आपकी पीछे वाली बैल्कनी आपकी यूटिलिटी बैल्कनी मिल जाती है। सेंटर में सारे आउटर यूनिट्स दे दिए साथ वाले रूम के साथ और ये मास्टर बेडरूम के साथ। आप देखो आपको अच्छी सी स्पेस मिल गई है। यहाँ पर आपका वॉशिंग एरिया हो जाएगा। So you get good ample space even if you're going for a middle floor, आपको front and back पे भी ample space मिलेगी। Now we are at the terrace garden and in front of me that you see ये सारा ग्वालियर स्टोन है and बीच में हमारे बुद्धा जी हैं। This is the wooden deck area with planters along and a pergola. Just look at the feel of it guys. This is the bar counter. Amazing area to party, you know, when the weather is good. Or for gathering, or even for when you are at home, you can chill here, you can work here, you can do whatever you want to do. Beautifully designed terrace, and just behind the house is the park. That's the pergola. So it's a double decker terrace. जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको लेके चलूँगा. ब्यूटिफुल बार काउंटर। ये जितने भी आप वुड देख रहे हो ये सारी थर्मोपाइन वुड है। सिटिंग एरिया, देन अगेन स्पेस फॉर प्लांटर्स। दैट्स द लुक एंड फील ऑफ इट। देन दिस इज अनदर सेक्शन दैट यू कैन यूज, वो जब आप व्यूइंग करने आओगे तब समझाऊंगा कैसे क्या यूज हो सकता है। दिस इज अ डबल सीलिंग हाइट, जो अगर आपका जो फोर्थ फ्लोर है वहां से आप ऊपर देखोगे तो ये डबल सीलिंग हाइट है। अब हम टेरेस पे हैं और ये यहाँ पे वॉशरूम है टेरेस का। नाउ लेट मी टेक यू टू अनदर टेरेस। सो टेरेस पे ही टेरेस है, डबल डेकर टेरेस। सो नाउ यू सी, सो यू हैव अनदर एरिया, टेरेस ऑन टेरेस फॉर यू। आप अपना कॉन्सर्ट कर सकते हो। ये ऐसी छत है, आपका पूरा कॉन्सर्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऊपर अपना लाइव बैंड लगाया, नीचे पूरी पार्टी चल रही है। नेक्स्ट लेवल फील, अमेजिंग कॉन्सेप्ट, अमेजिंग थॉट प्रोसेस, अमेजिंग टेरेस। ऐसी चीज़ अगर आप देख रहे हो और अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ 300 स्क्वायर टॉप फ्लोर विद टेरेस, तो ऐसी चीज़ छोड़ना नहीं चाहोगे आप। अगर आपने छोड़ दी फिर आप ढूंढते रह जाओगे, शायद ही आपको दूसरी मिलनी है। तो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज व्लॉग। आपको मैंने 300 गज की लग्जरी शोकेस करवाई इन सुशांत लोक 1। नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी है, डबल डेकर टेरेस है। आप टेरेस की फील देखो, नेक्स्ट लेवल टेरेस। एंड इसमें आपको ये टेरेस 3.95 सीआर की मिल जाएगी, नेगोशिएबल। मिडिल फ्लोर चाहिए तो 3.65 सीआर एंड अपर ग्राउंड फ्लोर है फॉर 3.75 सीआर विद अ हॉल इन द स्टिल्ट एरिया। सेपरेट ड्राइववे, फुली पावर बैकअप, सर्वेंट क्वार्टर, एवरीथिंग यू वॉन्ट यू गेट इट। आओ आपकी व्यूइंग करवाते हैं, आपको ये डील क्रैक देके दिलाते हैं एंड यू विल चेरिश व्हेन यू शिफ्ट इन हियर। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, वेट, फिर से बोल रहा हूँ, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। वी कीप ऑन शोकेसिंग लग्जरी फॉर यू गाइस। कम शिफ्ट इन लग्जरी, शिफ्ट टू गुड़गांव, अपग्रेड योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एंजॉय योर लाइफ। अस्ता ला विस्ता।